मेरे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी के मालपुए, जो कि बारिश के मौसम की स्पेशल डिश है। चलिए शुरू करते हैं। चलो, इसके लिए हमें चाहिए दूध, जिसकी हमें बनानी होगी सबसे पहले रबड़ी। तो हमने गैस पे कढ़ाई रखी, गैस ऑन किया। अब इसमें मैं करीब आधा लीटर दूध डालूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए ये। और ये हो गया करीब आधा लीटर, आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, पर हम अंदाज़ से हमने इतना दूध ले लिया है, करीब 1.25 लीटर दूध है ये। अब इसकी हम मलाने बना लेंगे रबड़ी। रबड़ी बनानी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके हमें लच्छे नहीं बनने देने, दूध गाढ़ा करना है रबड़ी जैसा ही, लेकिन लच्छे नहीं बनाने हैं। बस अब ये दूध उबलता रहेगा, इसको उबल जाए फिर देखते हैं। ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है, देखिए रबड़ी हो गई है फर्स्ट क्लास। अब हम इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें लच्छे भी नहीं पड़े और हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसकी इंतज़ार करते हैं ठंडे होने की। ये हमारी रबड़ी तैयार हुई, और अब हम ये जब तक ये रबड़ी ठंडी होती है, हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक कटोरी, ये आधी, मैंने 1.5 कटोरी ये शक्कर डाली है। ये मैं शक्कर रखी, अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ, और इसकी हमको चाशनी बनानी है। तो जी, मैं 1 गिलास पानी इसमें डाल रही हूँ, ये 1 गिलास, और मैं आधा गिलास पानी और डाल देती हूँ, ये आधे गिलास पानी। बस अब मुझे इसकी चाशनी बनानी है। सेम इसके मुझे गुलाब जामुन जैसे, मतलब एक सा एक तरह की चाशनी बना लेनी है। बस चाशनी बन रही है, और इधर हमारी ये रबड़ी ठंडी हो रही है। जब तक ये रबड़ी ठंडी होती है, हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी, फिर हम आगे का काम करेंगे। मैंने ये तई में घी गर्म होने रख दिया है, ये मेरे पास ट्रेडिशनल तई है, और इसकी जगह आप है ना नॉन स्टिक भी ले सकते हैं पैन। और ये हमारी चाशनी जो कि हो गई है, ये देखिए बिल्कुल एक तार की है ये, एक तार की चाशनी ये तैयार हो गई है। इसको मैंने यहाँ रख दिया है, और ये इसमें मैंने केसर थोड़ी सी कर रखी थी, इसको मैं ये इसमें डाल देती हूँ। ये चाशनी में हमारी केसर होगी, इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ये तैयार। दो कटोरी मैदा लिया है, और ये जो हमने रबड़ी बनाई थी वो मैंने इस कटोरी में निकाल ली, ये हुई है 1 कटोरी रबड़ी है, मैंने इसमें ये डाल दी। अब इसको मैं मैदे में इसको घोल लूँगी। ये मैंने 1 कटोरी ये रबड़ी डाल दी है, बाकी हुआ मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रबड़ी होती है ना तो वो मालपुए बिखरते हैं। और अब आप सोचेंगे फिर मैंने दूध ही क्यों नहीं ले लिया, इसको गाढ़ा क्यों किया, वो इसलिए करना रहता है कि जो दूध उबलता है और उसकी जो खुशबू आती है और वो जो स्वाद बैठता है, इसलिए इसे गाढ़ा करते हैं। लेकिन फिर जब घोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं और इसका घोल बना लेते हैं, जो मैं अब बना रही हूँ। ये मैंने करीब 2 कटोरी लिया था, इसमें मैंने आधी कटोरी बचा दिया है, ये 1.5 कटोरी मैदा है और 1 कटोरी मेरी रबड़ी है। देखिए मैंने 4 डाले हैं, ये मैं इनको पलट देती हूँ। और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे।
ये इसको मैं चाशनी में इस तरह निकाल के इनको चाशनी में डाल दूंगी। और इधर मैं घी में, और ये देखिए मुझे गोल ऐसा पतला रखना है इसी तरह का, देखिए आप। और मैं इसको ये मालपुए मेरे हो गए, ये मैंने देखिए चाशनी में डाल दिए हैं। ये देखिए कैसे पतले एकदम जालीदार, ये एक और लिया मैंने, ये देखिए ये, पीछे से भी हो गया। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक एक करके, एक के ऊपर एक, ये तैयार है, ये इसके ऊपर, और तीनों को एक साथ निकाल के ये मैं वापस चाशनी में इनको कर देती हूँ। देखिए ये अच्छे से हो जाएंगे, इतनी देर में मैं और भी डाल देती हूँ ये। अब हम इन मालपुओं को सर्व करेंगे। देखिए कैसे अच्छे नरम नरम बढ़िया से जालीदार रबड़ी के मालपुए हमारे तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह हम इसे सर्व करेंगे। अब इस पर हम पीसी इलायची, ऐसे पीसी इलायची हम घोल में भी डाल सकते हैं इसके, और चाहे तो हम ऊपर भी डालते हैं जैसे मैंने अभी डाल रही हूँ, वरना इसे आप घोल में भी डाल सकते हैं। जैसे केसर हमने चाशनी में डाली थी वैसे ही इसके ऊपर हम ये थोड़े से पिस्ते डाल रहे हैं। और थोड़े सी बादाम की फ्लेक्स, इस तरह से हमारे ये मालपुए सारे परोसने के लिए तैयार हैं। और अब हम बीच में इस तरह एक चम्मच इसमें हम रबड़ी लगा देते हैं ताकि ये सुंदर लगे। और उसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता डाल देते हैं। बस हमारे रबड़ी के मालपुए तैयार हैं।
ये लीजिए हमारे रबड़ी के मालपुए तैयार हैं। बारिश के मौसम में मालपुए तो बनते ही हैं, सादे मालपुए बनाते हैं, आप तरह तरह के बनाते हैं, इस बार आप रबड़ी के मालपुए बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम नरम नरम सॉफ्ट और रबड़ी की खुशबू और बहुत अच्छे लगेंगे, आप ज़रूर ट्राई करिए। और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और साथ में लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाएं।